हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एक्सपेंड एजुकेशन। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्लास टेंथ का जो मैंने सैम्पल पेपर स्टार्ट करवाया था, तो क्लास टेंथ का सैम्पल पेपर करवाएंगे। वो जो मैंने सैम्पल पेपर लास्ट वीडियो के अंदर लाइव में करवाया था वो आपका 40 मार्क्स का था। आज मैं जो सैम्पल पेपर आप लोगों को करवाऊंगी वो आपका 80 मार्क्स का है, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या दे रखा है। लेट ए एंड बी बी टू पॉजिटिव इंटीजर, ए और बी हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं। सच दैट ए हमारे पास क्या दे रखा है, देखो ए हमारे पास क्या दे रखा है, पी क्यू क्यू की पावर 4, और बी हमारे पास क्या दे रखा है, पी स्क्वायर क्यू क्यू, ठीक है। वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर्स, पी और क्यू दोनों हमारे पास कैसे हैं, प्राइम नंबर है। इफ एचसीएफ ऑफ ए बी, एच सी एफ दे रखा है हमारे पास ए बी का, क्या दे रखा है, पी की पावर एम क्यू की पावर एन, ठीक है। और जो हमारे पास एल सी एम है ए बी का वो हमारे पास क्या दे रखा है, पी की पावर आर क्यू की पावर एस। हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है एम प्लस एन इंटू में आर प्लस एस, ठीक है। हमें एम प्लस एन इंटू में क्या निकालना है, आर प्लस एस निकालना है। तो देखो हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमारे पास क्या है, जो एच सी एफ और एल सी एम दे रखा है हम उसका यूज करेंगे, ठीक है। तो एच सी एफ हमारे पास क्या दे रखा था, ये दे रखा था, और एल सी एम हमारे पास क्या दे रखा है, ये दे रखा है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, एच सी एफ हमारे पास क्या है, ए और बी का अगर इन दोनों का एच सी एफ निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो एच सी एफ ऑफ ए बी क्या आएगा, इसमें से और इसमें से। एच सी एफ हमारे पास क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से इसमें से और इसमें से पी स्क्वायर और क्यू की पावर 3, ठीक है। एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ ए कोमा बी हमारे पास क्या होएगा, एलसीएम हमारे पास क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो लीस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास यहाँ पे क्या है, पी की पावर 3 है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्यू की पावर 4 है। तो हमारे पास जो एलसीएम है इसका वो हमारे पास क्या हो जाएगा, पी की पावर 3 क्यू की पावर 4, ठीक है, लीस्ट कॉमन फैक्टर ये आ गया हमारे पास। अब इनको हम इनके साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 होगी, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पी की पावर एम क्यू की पावर एन को कंपेयर करेंगे पी स्क्वायर को क्यू क्यूब के साथ, ठीक है। यानी कि एच सी एफ को कंपेयर करेंगे और एलसीएम एलसीएम को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास देखो पी एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, और एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। सिमिलरली जब हम यहाँ से एलसीएम को कंपेयर करेंगे तो पी की पावर 3 क्यू की पावर 4 है, वो किसके इक्वल आएगी, पी की पावर आर और क्यू की पावर एस, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और एस की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ये आ जाएगा हमारे पास। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये एम प्लस एन इंटू में आर प्लस एस। एम प्लस एन हमारे पास क्या आएगा, 5 आएगा, और आर प्लस एस हमारे पास क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 35। तो इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर जो था थर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। 35 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं किया, जो हमारे पास गिवन था सिर्फ उसी का हमने यूज किया है, एच सी एफ फाइंड आउट किया है, एलसीएम फाइंड आउट किया, फिर दोनों के बेस सेम थे तो पावर्स को इक्वल रख दिया, तो वहां से हमारे पास इनकी वैल्यू आ गई। वैल्यू आने के बाद यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, 35 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2, इसने बोला है कि अगर हमारे पास पी कोई प्राइम नंबर है तो हमारे पास क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बतानी है उसकी, रूट्स ऑफ एज ए पी एज ए फैक्टर, यानी कि उसका फैक्टर क्या है, पी है, तो हमें उसकी क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बतानी कि हमारे पास क्वाड्रेटिक की इक्वेशन क्या आएगी, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्वाड्रेटिक की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होता है, ठीक है, और प्लस में हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स हमारे पास इसके फैक्टर क्या है, पी के फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, पी इंटू 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटू में एक्स होता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स, प्लस में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगा,
पी प्लस वन इंटू मैक्स और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अगर इसके रूट्स की प्रोडक्ट करेंगे तो पी इंटू वन हमारे पास क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इज इक्वल टू जीरो, तो हमारे पास इसका ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस वन इंटू एक्स प्लस में पी इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो इसने क्या बोला है, अल्फा बीटा हमारे पास जीरो दे रखी है किसकी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या दे रखा है, पी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, पी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस में हमारे पास क्या दे रखा है, थ्री पी प्लस में थ्री पी। ठीक है, और हमारे पास क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, अल्फा प्लस में बीटा है वो किसके इक्वल दे रखा है, अल्फा बीटा के इक्वल दे रखा है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, देन फाइंड पी, पी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं। तो देखो यहाँ पे आप एक चीज फाइंड आउट करो, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ जीरोज होता है। अगर हमारे पास जीरोज दे रखी है अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या हो गया, उसका सम ऑफ जीरोज हो गया। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कैसे निकलता है, माइनस का बी बाय ए। ठीक है, तो माइनस का बी बाय ए, यानी बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, टू है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, पी है, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, थ्री है। तो इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो टू अपॉन में पी आ जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारे पास क्या होता है, अल्फा बीटा, वो हमारे पास क्या होता है, सी बाय ए होता है। सी हमारे पास क्या दे रखा है, थ्री पी, और ए हमारे पास क्या दे रखा है, पी। ठीक है, यहाँ पी से पी हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया, थ्री के इक्वल आ गया। अब जो गिवन कंडीशन है उसको हम यूज करेंगे, इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टू अपॉन में पी इज इक्वल टू थ्री। तो दिस इम्प्लाइज दैट पी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, टू बाय थ्री। तो पी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, टू बाय थ्री, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो हमारे पास क्या दे रखा है, इसने बोला है द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ इक्वेशन दे रखी है हमारे पास 3x plus y is equal to 1, और हमारे पास क्या दे रखा है, 2k minus 1 into x plus में हमारे पास क्या दे रखा है, k minus 1 into y is equal to हमारे पास क्या दे रखा है, 2k plus 1। ठीक है, और इसने बोला है कि ये हमारे पास कैसे हैं, इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, इनकंसिस्टेंट है। तो हमें क्या करना है, हमें k की वैल्यू बताने की, हमारे पास जो k है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंट के लिए हमारे पास क्या होता है, रेशियो ए वन अपोन में हमारे पास क्या होता है, ए वन अपोन में ए टू इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, बी वन अपोन में बी टू इज नॉट इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, सी वन अपोन में सी टू। ठीक है, ये हमारे पास इनकंसिस्टेंट की कंडीशन होती है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, ए वन हमारे पास क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, ए टू हमारे पास क्या हो जाएगा, टू के माइनस वन इज इक्वल टू वन अपॉन में के माइनस वन, और इज नॉट इक्वल टू सी वन क्या है, वन अपॉन में टू के प्लस वन। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके के की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, तो यहां से देखो इन दोनों से के की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, थ्री इंटू के माइनस वन इज इक्वल टू टू के माइनस वन। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, थ्री के माइनस थ्री इज इक्वल टू टू के माइनस वन। ठीक है, इनको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू माइनस का वन प्लस का थ्री यानी के टू। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, के की वैल्यू क्या आ जाएगी, टू आ जाएगी। और नॉट इक्वल के लिए क्या करेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टू के प्लस वन नॉट इक्वल टू के माइनस वन। इसको इधर लेके आएंगे तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, नॉट इक्वल टू माइनस टू। ठीक है, तो के की वैल्यू टू के इक्वल होगी और माइनस टू के इक्वल नहीं होगी। ये हमारे पास का क्या था, क्वेश्चन नंबर फोर्थ था। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फाइव देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है वो हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला है कि इसने हमारे पास वर्टिसेस दे रखे हैं पैरेललोग्राम पी के ओ आर एस के, वो हमारे पास क्या क्या दे रखे हैं। देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस टाइप से पैरेललोग्राम हो जाएगा पी क्यू आर और एस। ठीक है, इसने पी के आर के हमारे पास दे रखे हैं, पी के हमारे पास क्या है, थ्री कोमा फोर है,
और क्यू के हमारे पास क्या है माइनस का 2, 3। आर के हमारे पास दे रखे माइनस 3, -2। और एस के हमें बता रहे हैं कि एक्स के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इनके मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से एस आर और ये पी आर और एस क्यू। ठीक है, यहाँ पे जहां पे इंटरसेक्ट करें इसका कुछ भी आप नाम रख दीजिए, ओ नाम रख दीजिए। ठीक है, तो मिड पॉइंट एस क्यू के और मिड पॉइंट पी क्यू के हमारे पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए कि आपके पास क्या होता है, एक्स प्लस वाई बाई टू होता है। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा यहां से मिड पॉइंट ऑफ पी आर इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ एस क्यू। ठीक है, तो पी आर के हमारे पास कैसे निकलेंगे, 3 माइनस 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 माइनस 3 बाय में 2 कोमा हमारे पास क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 बाय में 2 इज इक्वल टू एस क्यू के निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा x -2/2 कोमा क्या हो जाएगा y+3/2। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे 3 माइनस 3 ये हमारे पास क्या आ गया 0 और यहां से 4 माइनस 2 2/2 हमारे पास क्या आ गया 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया x -2/2 कोमा y+3/2। ठीक है, अब इनको कंपेयर कर देंगे तो यहां से हमारे पास क्या आ गया x -2/2 इज इक्वल टू 0 और क्या आ जाएगा y+3/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू तो क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी और यहां से y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -1 क्योंकि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो हमारे पास जो x के कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास क्या आ जाएंगे 2, -1 ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी लग रही है, मिड पॉइंट फॉर्मूला इसके अंदर यूज हुआ है। ठीक है, तो ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन था और मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन हैं उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर अपलोड कर चुकी हूँ, तो जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो वहां से जाके देख सकते हैं, उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या दे रखा है, ये हमारे पास जो सिमिलर ट्रायंगल्स ट्रायंगल्स वाला जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन है। क्या दे रखा है कि ट्रायंगल एबीसी जो है, ट्रायंगल एबीसी है वो हमारे पास सिमिलर दे रखे ट्रायंगल पीक्यूआर के। ठीक है, आगे इसने बोला कि एएम एंड पीएन जो है वो एल्टीट्यूड है, इनके हाइट है, एएम हमारे पास एबीसी की है और एएन वो हमारे पास पीएन है वो हमारे पास किसकी है, पीक्यूआर की है। ठीक है, इसने दे रखा है कि एबी का स्क्वायर रेशो पीक्यू का स्क्वायर जो है वो हमारे पास क्या दे रखा है 4:9। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है देन एएम रेशो पीएन, एएम रेशो पीएन है वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास अगर हमारे पास प्रॉपर्टी लग जाएगी डायरेक्ट, अगर हमारे पास ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं तो उनकी साइड का जो रेशियो हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इसने बोला है कि ये दोनों सिमिलर है तो हमारे पास क्या आएगा ए बी अपोन में पी क्यू वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा बीसी अपोन में क्यू आर के। ठीक है, बीसी अपोन में क्यू आर के, तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा इज इक्वल टू क्या आएगा ए सी अपोन में पी आर और इज इक्वल टू में जो उनकी हाइट होती है उसके भी इक्वल होता है यानी के ए एम अपोन में पी एन। गोट इट, तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती हैं सिमिलर ट्रायंगल की उनका रेशियो हमारे पास क्या होता है इक्वल होता है। आप बना सकते हो चाहो तो फिगर इस तरीके से, ये हमारे पास ए बी सी होगी, ये हमारे पास पी क्यू आर हो गया, ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, ये दे रखे इस तरीके से ए एन ए एम और ये दे रखे इस तरीके से पी एन। ठीक है, तो इनकी जो साइड का रेशियो होता है वो हमारे पास क्या होता है इक्वल डिवाइड होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या दे रखा है ए बी अपोन में पी क्यू इनके स्क्वायर का रेशियो क्या दे रखा है 4:9 और ये किसके इक्वल हो जाएगा ए एम अपोन में पी एन के। ठीक है, बट यहाँ पे क्या स्क्वायर है तो दोनों साइड हम क्या कर देंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा देखो स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ए एम अपोन में पी एन की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी 2:3। तो इनकी हाइट का जो रेशियो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 2:3 आ जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था 7 चैप्टर का।
जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड चैप्टर का नहीं, सॉरी सेवंथ का नहीं, ट्रायंगल्स वाले चैप्टर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर सेवन देखो हमारे पास क्या दे रखा है, सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर सेवन क्या दे रखा है। इफ एक्स टेंजेंट थीटा, टेंजेंट 60 डिग्री दे रखा है, थीटा को 60 डिग्री इज इक्वल टू हमारे पास दे रखा है साइन 60 डिग्री और शायद दे रखा है कोट 60 डिग्री। तो हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू बतानी है कि हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आएगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये आप लोगों का। आप इसको एक मिनट में देखते ही सिर्फ वैल्यू बता सकते हो। दो तरीके हैं इसको सोल्व करने के, या तो आप इसको साइन कोस में चेंज करके कर लो, यहाँ से बिल्कुल कट ही जाएगा, ये सिर्फ इसकी वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। या फिर आप क्या करो, इनकी वैल्यूज पुट कर दो, वैल्यू पुट करने से भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो, एक्स इंटू टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है, रूट 3 होती है, और कोस 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 1/2 होती है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे साइन 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, रूट 3/2, और कोस 60 हमारे पास क्या होता है, इसका उल्टा होता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, 1/√3, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एक्स इंटू √3/2 आ गया, इज इक्वल टू √3 से √3 कैंसिल, क्या आ गया, 1/2, ठीक है। तो यहां से हमारे पास एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/√3, और 1/√3 हमारे पास वैल्यू किसकी होती है, टेंजेंट 30 डिग्री की होती है, ठीक है। तो एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट 30 डिग्री आ जाएगा। आगे समझ में, ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास देखो क्या दे रखा है सैंपल पेपर का। इसने बोला है कि इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू √2, साइन थीटा प्लस कोस थीटा किसके इक्वल दे रखा है, √2 के इक्वल दे रखा है। तो इसने बोला है कि देन टेंजेंट थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। देन टेन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ये हमें बताना है, ठीक है। करोगे इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई आप लोग, कह दो मैम हम कैसे करेंगे, हमें नहीं आता। एक काम करो, या तो इसको क्या करो, डिवाइड कर दो, कोस से डिवाइड करोगे, यहाँ पे भी कोस से डिवाइड करोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन एक तरीका और है इसको करने से, कि दोनों साइड आप क्या करो, स्केयरिंग कर दो, वहां से साइन कोस की वैल्यू निकाल लो, और फिर साइन कोस से इसको डिवाइड करके उससे भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो दोनों साइड स्केयरिंग करेंगे, तो स्केयरिंग करेंगे, यहाँ पे भी स्केयरिंग हो जाएगी और यहाँ पे भी स्केयरिंग हो जाएगी, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्केयर सबको पता है क्या होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस क्या होता है, 2ab, इनके 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2, क्योंकि √2 का स्केयर क्या होता है, 2 होता है। ये हमारे पास क्या हो गया, 1, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 2 साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1, ये इनके साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1/2 आ गई, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, टेंजेंट प्लस कोट जो दे रखा है उसको लेके चलेंगे, टेंजेंट थीटा प्लस में क्या दे रखा है, कोट थीटा। टेंजेंट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कोस, और कोट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोस बाय साइन, ठीक है। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आपके पास क्या होता है, 1, और ये आपके पास क्या दे रखा है, 1/2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो टेंजेंट थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 9 था आप लोगों का, क्या दे रखा है, इसने बोला है कि आपके पास फिगर के अंदर दे रखी है, ये फिगर दे रखी है आपके पास इस तरीके से, ए बी सी और ये दे रखे हैं डी और ई, ठीक है। इसने बोला कि आपके पास जो डी ई है वो बी सी के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ठीक है, डी ई है वो बी सी के पैरेलल है। आगे इसने बोला कि ए ई आपके पास क्या दे रखा है, ए यूनिट दे रखा है, और ई सी आपके पास क्या दे रखा है, ई सी आपके पास बी यूनिट दे रखा है, यानी ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है। आगे इसने बोला है बी सी आपके पास क्या है, वाई यूनिट है, ये बी सी आपके पास क्या दे रखा है, वाई यूनिट, और क्या बोला है इसने, तो हमें बताना है कि डी ई हमारे पास क्या है, एक्स,
डीई डीई हमारे पास क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है, दिख रहा है आप लोगों को ये डीई हमारे पास क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है, ठीक है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास क्या होगी, ट्रू होगी, ठीक है। अब एक बार तो अगर इसके लाइन इसके पैलर है तो हमारे पास इनका रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट इनका क्या कर लेते हैं, रेशियो कर लेते हैं। तो क्या है रेशियो, ए ई अपॉन में ई सी है वो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, डी ई अपॉन में बी सी के, ठीक है। ए ई की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए, ई सी की वैल्यू क्या है, बी, डी ई की वैल्यू हमारे पास क्या है, डी ई की एक्स, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, वाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास ए सी, ए ई अपॉन में क्या होता है, ए ई के अपॉन में क्या आएगा, ए सी होता है, सॉरी कंप्लीट का रेशियो होता है, ठीक है। तो ए सी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होता है, एक्स अपॉन में वाई होता है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वाई हमारे पास क्या आ गया, एक्स इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो वाई अपॉन में एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ए प्लस का बी अपॉन में ए, या आप इसकी वैल्यू निकाल लो या आप यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लो। तो एक्स की वैल्यू अगर आप निकाल लोगे तो एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू ए वाई अपॉन में ए प्लस बी। तो ये वाला जो आपका ऑप्शन है वो आपके पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का नाइन्थ था। और नेक्स्ट जो टेंथ क्वेश्चन दे रखा है वो भी आप लोगों का बिल्कुल सेम है, उसके अंदर भी आपका वही लाइन्स पहला दे रखी है और आपका क्या निकालना है, ए ओ अपॉन में ओ सी बी सी निकालना है, तो वो भी सेम आपका हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो के अंदर आपके मैंने 10 क्वेश्चन करवा दिए हैं, टोटल आपके 20 क्वेश्चन है पार्ट ए के सेक्शन ए के, बाकी के 10 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाऊंगी, ठीक है। अगर पसंद आए तो, अगर अच्छे व्यूज आए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट करवाऊंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।